अगर आप वीवो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो जल्द ही इंडियन मार्केट में वीवो का स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, वीवो V40 सीरीज, जो कि आपको अगस्त महीने में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको स्पेक्स वाइज इस स्मार्टफोन में बताने वाला हूं कि यह स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है, और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले डिजाइन से बात करते हैं। डिजाइन आपको देखने को अच्छा मिल जाता है, क्योंकि पीछे के साइड में आपको ग्लास एंड फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। वहीं आगे के साइड में कर्व डिस्प्ले के साथ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यानी कि लुक वाइज यह स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहीं पोर्ट्स और बटन की बात करें तो आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड 3.5mm वाला जैक होल नहीं मिलेगा, और आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट एंड आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.7 इंच के साथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आपको 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल एंड 453 PPI देखने को मिल जाते हैं। यानी कि डिस्प्ले वाइज यह स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल एंड आपको 1.5K रेजोल्यूशन मिल जाता है, यानी कि इनडोर आउटडोर में आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा यह स्मार्टफोन चलाने में। तो परफॉर्मेंस की बात करें गेमिंग की, तो आप गेमिंग बहुत ही तगड़े लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें डायमेंसिटी 9200 प्लस देखने को मिल जाता है। इसकी स्कोर की बात करें तो आपको 15 लाख प्लस देखने को मिल जाता है। वही रैम रोम टाइप की बात करें तो LPDDR5X एंड UFast 3.1 देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर यह बेस्ट है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। इसकी अपडेट पॉलिसी की बात करें तो आपको 3 साल का मेजर अपडेट एंड 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं बैटरी की, तो आपको 5500mAh की बैटरी एंड 80W का चार्जर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो पिछले वाले सीरीज में था वो 5000mAh का था, लेकिन इस बार अपग्रेड किए हैं ये लोग। मेन बात करते हैं इसकी कैमरे की। कैमरे के पीछे सभी लोग भागते हैं, तो मैं बताता हूँ इसका कैमरा 50MP प्लस OIS के साथ और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 50MP का 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है, और आगे के साइड में 50MP देखने को मिल जाता है। यानी कि कैमरा वाइज यह स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस को लेकर, प्राइस क्या होने वाला है आपके हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से देखिए तो यह स्मार्टफोन 40 से 45 हज़ार के बीच में मिल सकता है। तो ये रही पूरी जानकारी वीवो V40 प्रो को लेकर। आपके दिमाग में कोई सवाल और चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसा रहा वीडियो अच्छा रहा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।